नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। दोस्तों आज के सेशन में हम लाए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, डाइबोडॉक रस। ये स्पेशली फॉर डायबिटीज पेशेंट्स के लिए है। इस सेशन में हम बताएंगे आपको हेल्थ बेनिफिट्स, डाइबोडॉक के इंग्रेडिएंट्स, कैसे इसे इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में। डाइबोडॉक रस जो है वो EWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया एक लिक्विड फॉर्मेट का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ये हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे शुगर के मरीजों को दिया जा सकता है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की तो डाइबोडॉक रस में करेले का रस, जामुन का रस, ग्वार पाठा जिसे कि हम एलोवेरा और घृतकुमारी भी कह सकते हैं, गुड़मार रस और त्रिफला रस, इन सारे हर्ब्स को मिलाकर ये डाइबोडॉक रस बनाया गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बारी बारी, इनके बारे में कि इनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, हमारे बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं ये इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले करेला रस। करेला एक्चुअली स्वाद में कड़वा होता है और इसके चलते बहुत सारे लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, बट इसका जूस जो होता है हमारे बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इसके अलावा मोटापा और वेट को भी ये कम करता है। ये काफ़ी अच्छी औषधि है, शुगर के मरीजों के लिए एक रामबाण औषधि के रूप में इसे कहा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है जामुन रस। शुगर के रोगियों के लिए जामुन बहुत ही अच्छा और सस्ता उपचार माना जाता है। एक्चुअली इसके बीजों में मौजूद एक पदार्थ होता है जिसे जम्बोलिन कहा जाता है, और वो जम्बोलिन जो है वो स्टार्च को शुगर में बदलने की क्रिया को कम कर देता है, जिसके चलते शुगर के मरीजों का जो लेवल है शुगर का, ब्लड में शुगर का, वो कंट्रोल रहता है। तो अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है हमारा एलोवेरा, जिसे कि ग्वारपाठा और घृतकुमारी भी कहा जाता है। एक्चुअली एलोवेरा जो है वो मेडिसिन गुणों से भरा हुआ एक पौधा है ना, और ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखता है, इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है गुड़मार रस। गुड़मार रस जो है वो मीठा खाने की आदत में कमी लाता है, और ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के अलावा रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी ये कंट्रोल करता है। काफ़ी अच्छा औषधि है। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिफला रस। एक्चुअली त्रिफला जो है वो तीन फलों का मिश्रण है, आंवला, हरड़, बहेरा। इन तीन फलों को एक अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इसमें इसे लिक्विड फॉर्मेट में डाला गया है। ये काफ़ी बेहतरीन औषधि है, बहुत सारे रोगों में इसका यूज होता है। ये एक्चुअली हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कम होने लगती है। तो ये सारे थे इंग्रेडिएंट्स डाइबोडॉक रस के, है ना। अब हम बात करेंगे डाइबोडॉक रस को हम कैसे यूज करें, हाउ टू यूज़, और यूज करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इन सब के बाद हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसे 25 से 30 ml दिन में दो बार खाना खाने से पहले हमें इस्तेमाल करना है ना। और इसको यूज करते समय आपको कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि आपको मीठे पदार्थ, पेय पदार्थ हुए, तले भुने चिकनाई वाले पदार्थ हुए, उसको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा जब इसको यूज कर रहे हैं तो आपको 4 से लेकर 6 लीटर डेली पानी का जरूर सेवन करें। डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखें इस प्रोडक्ट को। इसके अलावा डिब्बा जैसे ही खुलता है उसको 1 महीने में यूज कर लेना है, बिकॉज ये 1 मंथ का ही डोज है। ठंडे और सूखे स्थान पर इसे रखना है। इसके अलावा सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट, इसको लेने से पहले आपको एक्सपर्ट से और चिकित्सक से सलाह जरूर ले लेना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं वो नेट पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं कि इस रोग के लिए ये दवा है और इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, सबका बॉडी अलग अलग है और अलग अलग बॉडी होने के कारण सबके डोज अलग होंगे, है ना। तो इसके बारे में एक डॉक्टर ही और एक एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, मैं डाइबोडॉक रस के बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट आप मेडिसिन यूज कर रहे हो, तो उसको पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लो,
आफ्टर दैट आप उसको यूज करो, है ना। तो दोस्तों ये था डाइवोडोक्रॉस के बारे में जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।